भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी कप्तानी में भारत को जबरदस्त सफलता दिलाई है लेकिन आम्रपाली ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर रह चुके धोनी ग्रुप के धोखाधड़ी मामले में फंसते जा रहे हैं आम्रपाली ग्रुप को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 23 जुलाई को फैसला सुनाया था जिसमें सीएमडी अनिल के शर्मा को हटाने का निर्देश दिया था लेकिन 23 जुलाई को फैसला आने के बाद सात अलग अलग एफआईआर धोनी के नाम दर्ज हो चुकी हैं। दर्ज की गई खरीददारों की एफआईआर में कहा गया है कि धोनी आरोपी व्यक्तियों द्वारा रची गयी आपराधिक साजिश का हिस्सा है इसलिए उन्हें एफ में एक आरोपी के रूप में जोड़ा जाना चाहिए एम एस धोनी की छाप और अनिल के शर्मा एक पेरेश्वर बिल्डर के रूप में आईआईटी खरीददारों की डिग्री के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करते हुए समझौते को सबसे खराब स्थिति मानते हैं एफआईआर में अनिल के शर्मा और अन्य निवेशकों को आरोपी बताया गया है लेकिन हमने चांद एंजी से अनुरोध किया है कि वो एम एस धोनी की भूमिका देखें और उन्हें आरोपी बनाए